भारतीय किसान यूनियन में बगावत हो गई है और राजेश सिंह चौहान को भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। राकेश टिकैत और जो नरेश टिकैत थे उन्हें बाहर कर दिया गया है। क्या पूरा मामला है, हम बात करेंगे। राजेश जी, क्या बैठक हुई आज, क्या पूरा बताइए। देखिए, तमाम हमारे संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों किसान इस बात से दुखी थे। 13 महीना और 33 साल मैं महात्मा टिकैत जी का फॉलोअर था, अनुयायी था, उनके कंधे से कंधा मिलाकर किसान की हर छोटी से बड़ी समस्या को हम लोग लड़ते रहे। 13 महीना आंदोलन में पूरी तरह हम भागीदारी निभाई, पूरी तौर पे हम धरना स्थल पे मौजूद रहे, मगर हमने देखा कि जो चुनाव 22 का आया उसमें महात्मा टिकैत जी के जो वसूल और सिद्धांत थे, उन्होंने जो हमें घुट्टी पिलाई थी कि हमें किसी राजनीतिक दल का प्रचार नहीं करना, हमें किसी राजनीतिक दल के मंच को शेयर नहीं करना, हम किसी राजनीतिक दल का विरोध नहीं करेंगे, चुनाव में किसी तरह की भागीदारी नहीं करेंगे, आत्मा की आवाज़ जो कहते थे वोट करो, उस आप सब लोगों ने देखा कि हमारे माननीय राकेश जी पूरे प्रदेश में एक दल विशेष का प्रचार किया और एक दल विशेष का विरोध किया। हमने उनको फ़ोन पे इस बात को समझाया, मगर मुझे महसूस हुआ कि मेरे मना करने के बाद ये चीज़ें स्वीकार नहीं कर रहे, तो हमें इस बात का दुख हुआ कि महात्मा टिकैत के जो सिद्धांत और उसूल हैं वो कहीं ना कहीं अब पीछे किए जा रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को लेकर के हमने तय किया, हमारे लोगों ने तय किया, हमने नहीं तय किया, हमारे लोगों ने तय किया। हम सबकी भावनाओं को देखते हैं और हमें मुझे स्वयं महसूस हुआ कि हमारा जो संगठन है अब वो पूरी तरह से राजनीतिक दल का रूप ले रहा है और किसी भी बड़े राजनीतिक दल का चेहरा हमारा संगठन बन रहा है, जो हमें लिए हमें जो कि जो हम घुट्टी महात्मा टिकैत जी की पी चुके हैं वो सूट नहीं कर रही थी। तो राजनीतिक दलों से जुड़ाव था राकेश टिकैत का, उसकी वजह से उन्हें अलग किया गया है और आप लोग अलग हो गए पूरी तरह से। हमें किसी ने अलग नहीं किया और ना मैंने उनको अलग किया, उनका संगठन अलग काम करेगा अपनी विचारधारा से जो राजनीतिक विचारधारा पे होगी। आज भी आप देखिए महात्मा टिकैत की पुण्यतिथि सिसौली मनाई जा रही है, जहाँ आपके CM हैं, डिप्टी CM और माननीय जयंत चौधरी जी भी वहाँ मौजूद हैं। दोनों लोग राजनीतिक शुद्ध रूप से राजनीतिक लोग हैं। हम भी चाहते तो किसी को इनवाइट कर सकते थे, बहुत से मंत्री सांसद विधायक हमारे मित्र भी हो सकते हैं, मगर हम महात्मा टिकैत की विचारधारा को लेकर आगे चले हैं और आखिरी दम तक महात्मा टिकैत की विचारधारा में काम करेंगे। जिसको हमारी विचारधारा से मिलकर काम करना है, माननीय राकेश टिकैत जी को भी निमंत्रण है, माननीय चौधरी नरेश टिकैत जी को भी निमंत्रण है कि आवें, अराजनैतिक विचारधारा से इन किसानों की लड़ाई लड़ें, जो आपको किसान को जो देश का किसान है वो आपको पूरी तरह अराजनैतिक मानता है, आपको किसानों का मसीहा मानता है, हम भी आपको मसीहा मानते हैं और मानते थे, हमारा उनका कोई विरोध नहीं, विरोध है महात्मा टिकैत के सिद्धांतों को लेकर आप नहीं चल रहे, विरोध इस बात का। कल भी हमारे मित्र थे, आज भी हमारे मित्र हैं। राजेश जी, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का, क्या प्रमुख मुद्दे होंगे, किन चीज़ों को लेकर किसानों के आगे? देखिए, हम बहुत जल्द अपनी कार्यकारिणी के साथ बैठक करेंगे, जो पुराने मुद्दे थे वो हमें सारी जानकारी में है, क्योंकि हम किसान की लड़ाई 33 साल से लड़ रहे हैं। माननीय राकेश टिकैत, माननीय नरेश टिकैत चौधरी साहब के न रहने के उपरांत 11 साल का इतिहास है उनका और मेरा संगठन में 33 साल का इतिहास है, तो सारे मुद्दे मुझे पता है, सारी लड़ाई का तौर तरीका पता है, किसान का सम्मान कैसे वापस आएगा वो मुझे पता है, और हमारे जो कार्यकर्ता आप उनसे पूछ सकते हो राजेश चौहान की कार्यशैली को। राजेश जी, एक आखिरी सवाल है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान यूनियन के बारे में जाना जाते हैं, जिसकी पकड़ और पैठ है, आप फतेहपुर से आते हैं और आपका इसकी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, इसका श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय किसानों का है, हमारे जो लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि जो किसान हित में महात्मा टिकैत के जो सिद्धांत है उन पे हमको इस काम की जिम्मेदारी सौंपी, बाखूबी मैं निभाऊंगा उस जिम्मेदारी। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान, जिन्होंने कहा कि किसानों का सम्मान और उनकी लड़ाई को लेकर हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। धीरज त्रिपाठी, ETV भारत, लखनऊ।